Hey, what's up guys? Welcome back once again. दोस्तों आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है लेट इट स्नो। ये कहानी आपको हर बारी एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी क्योंकि इसमें हद से ज्यादा ट्विस्ट और सर्वाइवल प्लॉट है। गाइस शुरुआत होती है जॉर्जिया शहर से जहां आज पूरे शहर में क्रिसमस एंजॉय किया जा रहा है। कुछ लोग स्कीइंग करने के लिए ऊपर माउंटेन पर भी आए हुए हैं और इसी में से हम 17 साल की अलीसा नाम की लड़की को देखते हैं जो बड़ी ही तेजी से स्कीइंग कर रही है। लेकिन एक समय आता है जब वो एक जगह जाकर रुक जाती है और चारों ओर देखना शुरू कर देती है क्योंकि उसे लग रहा है कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। अभी अचानक से एक आदमी आकर उसे टक्कर मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरती है। कुछ ही पल बाद उस आदमी की गर्लफ्रेंड भी वहां आ जाती है। जो उस लड़की के पास जाती है तो पता चलता है कि वो तो टक्कर की वजह से बेहोश हो चुकी है। अब यहाँ उनका फर्ज बनता है कि वो उसकी मदद करें, उसे लेकर हॉस्पिटल जाए। लेकिन असल में वो उसका बिल्कुल उल्टा करते हैं और वो दोनों उसे वही बनने के लिए छोड़ देते हैं, वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद हम उस लड़की की फोन में उसकी मॉम का कॉल आते हुए देखते हैं। लेकिन अफसोस वो इस हालत में नहीं होती कि वो उसकी कॉल उठाकर उनका जवाब दे सके या फिर अपनी हालत बता सके। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 3 साल बाद जहाँ मैक्स और मिया को देखते हैं जो पिछले 3 साल से रिलेशन में है और आज यहाँ पे मैक्स ही उसे लेकर आए। इस देर बाद वो बर्फीले तूफान के बीच से होते हुए अपने होटल पहुंच जाते हैं जहाँ की रिसेप्शनिस्ट से दोनों पूछते हैं कि हमें कल सुबह ब्लैक रिच पर जाना है और ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग ही उतर जाता है। वो उन दोनों को वहाँ जाने से मना करती है क्योंकि 3 साल पहले वहाँ एक बच्ची की मौत हो गई थी और तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा वहाँ भटक रही है और जो लोग भी वहाँ जाते हैं कभी वापस नहीं आते और ना ही उनकी डेड बॉडी मिलती है। कई लोगों को ऐसा भी मानना है कि वहां जाते ही कोई अनजान चीज उन्हें अपनी ओर खींच देती है और अगले ही पल वो गायब हो जाते हैं। पर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए मियां होटल के हॉल में लगी एक पेंटिंग को देखने लगती है जो उसे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। इधर मैक्स रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि वो मियां को यहाँ पर कुछ खास काम के लिए लेकर आए, अगर वो कुछ इंतजाम कर दे वहां जाने का तो उसके लिए बहुत ही मदद हो जाएगी। अब उसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है और कहती है कि ठीक है मैं कल कोई हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर दूंगी। उसके बाद सुन के मैक्स खुश हो जाता है लेकिन वो इस बारे में मियां को कुछ नहीं बताता, बेसिकली उसके लिए सरप्राइज था। अब दोनों अपने रूम में चले जाते हैं जहां से उन्हें एक खूबसूरत व्यू दिखता है उसी ब्लैक रिज का, जिसे देखकर मियां कहती है कि मैंने आज तक इससे खूबसूरत चीज नहीं देखी। पता नहीं यहाँ के लोग इतनी ऐसी चीजों को इतना बुरा भला क्यों बताते हैं। वेल अब उन्हें पता नहीं है कि आखिर वहां पे होता क्या है। कुछ चीजें दूर से ही अच्छी लगती है लेकिन पास से बिल्कुल अलग। वे लव उस दिन दोनों बड़े आराम से सो जाते हैं क्योंकि उन्हें अगली सुबह जल्दी उठना था। लेकिन अचानक से आधी रात को उनका गेट कोई नॉक करता है जिससे मियां की नींद खुल जाती है। वो घबरा जाती है कि आखिर इतनी रात को कौन आ गया। वो खुद ही अकेले जाती है गेट के बाहर तो वहां पर रिसेप्शनिस्ट खड़ी हुई थी जो उन्हें फ्री वाइन देने आई थी। अब उसकी यह बात मियां को काफी अजीब लगती है क्योंकि ये काम वो कल सुबह भी कर सकती थी, इतनी रात को करने की क्या जरूरत थी। पर वो उसे कुछ कहती नहीं है। वो लेडी उसे एक बार फिर से वार्निंग देती है कि ब्लैक रिज पर मत जाओ और बताती है कि आज सुबह ही हमें एक आदमी की लाश मिली है उसी ब्लैक रिज से। उसकी वाइफ यहाँ पिछले 5 दिनों से रह रही थी लेकिन 5 दिनों बाद उसे अपना पति मिला, वो भी मरा हुआ हालत में। अब ये बात तो डराने वाली थी लेकिन मियां को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता इसलिए वो गेट बंद कर लेती है। पर यहाँ हम एक और चीज नोटिस करते हैं, उसने उन दोनों के रूम के बाहर एक क्रॉस बना दिया था। अब जब उस क्रॉस को मियां देखती है तो वो फौरन मैक्स को उठाती है पर उसे कोई क्रॉस नहीं दिखता। ये बात मियां को परेशान करने लगती है पर वो सोचती है कि शायद ये उसका कोई वहम हो सकता है और इसीलिए दोनों फिर से सो जाते हैं। आखिर उस ब्लैक रिज पर ऐसा क्या है जिसे पूरे टाउन के लोग डरे हुए हैं। वेल कहानी आगे बढ़ती है और वो दिन आ जाता है जब इन दोनों को ब्लैक रिज पर जाना था। मियां सारे सामान को पैक करने लगती है जिसमें उसे एक रिंग भी मिलती है और ये देखकर वो समझ जाती है कि मैक्स यहाँ पर उसे शादी के लिए प्रपोज करने लाए। ये बात उसे खुश कर देती है। अब हेलीकॉप्टर का भी इंतजाम हो चुका था पर इनके होटल से निकलने के बाद मियां उस क्रॉस को किस करती है जिसका मतलब तो आप समझ गए होंगे। अब बाहर निकलते समय उस आदमी की लाश वहां पर आ रही थी जिसकी वाइफ उसे पिछले 5 दिनों से ढूंढ रही थी। उसकी लाश को भी देखकर दोनों को समझ नहीं आता कि वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि कुछ लोग के अंदर कीड़ा होता है। जो आदमी मरा है वो एक ट्रेनर था और स्कीइंग करना इसका हर रोज का काम था तो ऐसे में बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये स्कीइंग करते हुए मरा होगा। खैर अब दोनों हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों को देखते हुए उस ब्लैक रिज के करीब पहुंच जाते हैं।
जहाँ पर उन्हें एक क्रॉस दिखाई देता है जिसके बारे में पायलट उन्हें बताता है कि जो बच्ची सालों पहले यहाँ मरी थी उसकी फैमिली ने एक क्रॉस उसी की याद में लगाया। अब दोनों को वहीं टॉप पर छोड़कर हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है। फिर मैक्स और मिया अपने अपने गियर्स पहन लेते हैं जिसके बाद से शुरू हो जाता है इनका सर्वाइवल एडवेंचर जो इन्होंने आज से पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। दोनों मजे से स्किंग करने में लग जाते हैं लेकिन बीच में हमें कुछ ऐसी चीजें दिखती है जो इन दोनों को दिखाई नहीं देती। जैसे कि कुछ ही दूरी पर हम एक आदमी के हाथ को देखते हैं जो बर्फ के नीचे से बाहर आ रहा था। मे बी वो किसी और इंसान की लाश हो या वो दोनों अपने वॉकी टॉकी से एक दूसरे से बात कर रहे थे और ऐसे ही खुद को एक दूसरे से कनेक्ट करे हुए थे। लेकिन एक समय आता है जब तेज तूफान इनकी तरफ आ रहा था। सामने बहुत ही ज्यादा फॉग आ गया था जिस वजह से मियां मैक्स से अलग हो जाती है। उसका कनेक्शन भी टूट जाता है और तभी अचानक से उसकी टक्कर एक स्नो मोबाइल से होती है और वो वहीं गिर जाती है। जब कुछ समय के बाद उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि अभी भी वो मैक्स से बहुत दूर है। वो उसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो खुद मैक्स को ढूंढेगी, क्या पता वो आसपास ही हो। उसके लिए वो चलना शुरू कर देती है पर उसे ये नहीं पता कि इस एरिया में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पर जाना रेस्ट्रिक्टेड है। अगर वो उसके अंदर चली गई तो कुछ जंगली जानवर उसे मार डालेंगे। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे सामने मैक्स खड़ा हुआ मिलता है। उसे देखकर बहुत ही खुश होती है और उसके पास जाने लगती है। बीच में उसे रोज भी मिलते हैं जिसे उसे लगता है कि शायद यही मैक्स का सरप्राइज होगा और इसीलिए वो पास जाने लगती है और तब उसे पता चलता है कि मैक्स यहाँ खुद नहीं बल्कि किसी और की मर्जी से खड़ा हुआ है क्योंकि उसके दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे। अब उसके और पास जाते हुए उसे एक आदमी अपनी स्नो मोबाइल से खींचते हुए ले जाने लगता है। मियां बहुत चिल्लाती है जिससे कि वो रुक जाए लेकिन उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा था ये किसी को पता नहीं था। जिस रास्ते पर वो गया था मियां भी उसे फॉलो करके आगे बढ़ना शुरू करती है लेकिन ये जगह दूर से जितनी खूबसूरत लग रही थी पास से ही उतनी ज्यादा खतरनाक और ये बात अब मियां को समझ आ चुकी थी। अब मियां को जैसे भी करके उस इंसान को ढूंढना पड़ेगा वरना हो सकता है कि वो मैक्स को मार डाले। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है, वो इंसान मियां के पास खुद ही आ जाता है उसे ढूंढते ढूंढते। लेकिन यहाँ पर उसके दिमाग में कुछ अलग ही चीज चल रही थी। ये बात मियां भी समझ जाती क्योंकि उसके हाथों में उसे एक बॉम्ब दिख जाता है जिसे वो बर्फ में फोड़ने वाला था जिससे कि यहाँ पर एक एवलांच आ जाए और उसमें दब कर मियां मारी जाए। लेकिन वो पहले से ही तैयार होती है इसलिए वो अपनी स्किंग लेकर फौरन नीचे उतरने लगती है पर वो कुछ ही देर बाद उस एवलांच के नीचे आ जाती है क्योंकि उसकी इतनी स्पीड नहीं थी कि वो उसे हरा सके। पर यहाँ मियां की किस्मत अच्छी होती है, उसने खुद को बचा लिया था। वो आदमी अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था और इसीलिए वो उस पूरे एरिया में ब्लेड मार मार कर उसे चेक करता है कि कहीं वो जिंदा तो नहीं है। अब एक बारी तो उसके ब्लेड लग भी जाता है लेकिन वो चुपचाप मुंह बंद करके लेटी रहती है ताकि कोई आवाज ना आए। अब उस आदमी के जाने के बाद वो अपना हाथ बाहर निकालती है इस उम्मीद में कि शायद कोई उसकी मदद कर सके और तभी एक आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है। जब मियां की आंख खुलती है तो उसे एक बूढ़ा आदमी देखता है। उसे देखकर मियां को लगता है कि शायद वो उसे किडनैप करने आए क्योंकि वो उसे जियोर्जियन लैंग्वेज में बात कर रहा था जो कि मियां को समझ नहीं आ रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद वो उसे थोड़ा इंग्लिश में बात करना शुरू करता है। उधर दूसरी ओर हम उसी रिसेप्शनिस्ट वाली लेडी को देखते हैं जो किसी से कॉल पर बात करके बता रही थी कि मैंने उन्हें भेज दिया लेकिन ये आखिरी बार है, अब इसके बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। और उनकी ये बातें सुनकर आपको इतना तो पता चल गया होगा कि हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट है। लेकिन ये लेडी आखिर किससे बात कर रही थी ये तो आपको कहानी के आखिर में पता चल जाएगा। वहीं दूसरी ओर हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो मियां के साथ अब घुल मिल गया था क्योंकि वो एक अच्छा इंसान होता है। वो उसे अपनी ग्रैंड डॉटर की फोटो भी दिखाता है और बताता है कि इसकी 3 साल पहले मौत हो गई थी एक हादसे में। तो यहाँ आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर किस लड़की के बारे में बात हो रही है। जो बच्ची मरी थी वो इसी आदमी की पोती थी। इसे बीच मियां की नज़र उस रूम में लगी एक फोटो पर पड़ती है जो सेम वही फोटो थी जो उस दिन उसने होटल में देखी थी। अब दोनों और बातें करना शुरू कर देते हैं जिसमें वो बूढ़ा आदमी एक टेप सुनाता है जिसमें उसकी ग्रैंड डॉटर एक गाना गा रही थी जिसका नाम था लेट द स्नो जो कि स्टोरी का टाइटल भी है। उसकी इन सब बातों से हमें एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि ये बूढ़ा आदमी एक अच्छा इंसान है और वो मियां को मारने नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए यहाँ पर ले आया है। अब अगली सुबह होते ही मियां सोकर उठती है तो देखती है कि वो बूढ़ा आदमी अब वहाँ से जा चुका है, इसलिए वो बाहर आ जाती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस जगह पर इसने पूरी रात गुजारी थी वो असल में पहाड़ों के बिल्कुल बीच में है। लेकिन अब उसे यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो चारों ओर देखना शुरू करती है, उसे वहाँ एक स्नो मोबाइल दिखाई देती है। तभी थोड़ी दूरी पर उसे मैक्स का ग्लव्स भी मिलता है। अब ये देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है जिससे उसे कहीं ना कहीं उस बूढ़े आदमी पर शक होने लगता है क्योंकि कल वो पूरी रात उसी के साथ थी लेकिन आज सुबह होते ही वो गायब हो चुका है। लेकिन अगर उसने मियां को मारना ही होता तो वो उसे बचाता क्यों, यही सब बातें अब उसे परेशान करने लगी थी और इसीलिए वो अंदर जाती है उसे ढूंढने के लिए पर वो बूढ़ा आदमी कहीं दिखाई नहीं देता।
इसीलिए वो अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर देती है और उस स्नोमोबाइल की कीज भी ढूंढने लगती है। और बाहर आने पर उसे पता चलता है कि ये तो किसी और चीज की चाबियां हैं। उसी समय उसे एक और स्नोमोबाइल की आवाज आती है और ये वही आदमी की थी जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ हम देख पाते हैं कि उसके हाथ में उसकी रियल चाबियां होती है। वो उसे दिखाकर टीज करता है और फिर वहां से चला जाता है, जिससे ये साफ पता चलता है कि वो आदमी नहीं चाहता कि मियाँ स्नोमोबाइल या फिर किसी भी बाइक से यहाँ से बाहर निकले। और इसीलिए मियाँ पैदल ही चलना शुरू कर देती, लेकिन उसे इसके आगे क्या करना है कुछ पता नहीं है, बस वो चली जा रही थी। दूसरी तरफ हम कुछ रेस्क्यू ऑफिसर को देखते हैं जो वहाँ फंसे हुए लोगों को ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी मियाँ उनसे काफी दूर है, वो तो बस चले ही जा रही है। सुबह से शाम और रात से सुबह हो जाती है। उसने इन बीते समय में ना तो कुछ खाया है और ना ही पिया है, बस चली जा रही है। लेकिन आज उसके साथ कुछ अच्छा होता है, वो उन दो रेस्क्यू वालों के करीब पहुंच गई थी और वो उन्हें आवाज तो लगाती है, लेकिन अफसोस कि उसके अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची कि वो इतनी तेज आवाज लगा सके और वो उन तक पहुंच सके। और वो मियाँ को देख नहीं पाते, इसीलिए वहां से चले जाते और वो खुद को ही तकलीफ पहुंचाने लगती है। अब उसकी जगह कोई और भी होता तो शायद वो यही करता। उसके सामने उसकी एक आखिरी उम्मीद चली गई, इसके बाद न जाने कब वो लोग वापस आएंगे। लेकिन यहाँ मियाँ उम्मीद नहीं हारती और शायद इसी का नाम जिंदगी है, अगर आपने उम्मीद छोड़ दी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मियाँ और ऊपर जाने की कोशिश करती है जहाँ पे शायद वो किसी से कनेक्ट हो सके, पर कुछ ही देर बाद उसे एक टेंट दिखाई पड़ता है जो बहुत ही अजीब तरह से बनाया गया था, जैसे कि उसकी एंट्री पर किसी एक डॉल को हुक किया गया था जिसके पेट में एक रॉड घुसा हुआ था। वो अंदर जाती है तो उसे वही ओल्ड मैन की ग्रैंड डॉटर की फोटो दिखाई पड़ती है और चारों तरफ क्रॉस के सिंबल बने हुए थे, जो शायद उसी आदमी का काम है जो अभी तक उसका पीछा कर रहा है। और इसी दौरान उसकी नजर सामने टंगे हुए एक आदमी पर पड़ती है। जब उसके करीब जाती है तो देखती है कि ये तो वही बूढ़ा आदमी है जिसने उसकी जान बचाई थी, मतलब कि वो खूनी ये नहीं है। अब वो उसे बचाने की सोचती है, पर तभी वहां पर वो अनजान आदमी आ जाता है जो उसका पीछा कर रहा था। वो उसे देखकर भागना शुरू करती है, लेकिन वो ज्यादा दूर चल नहीं पाती, उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं बची थी, इसलिए वो थक कर वहीं गिर जाती है और एक आखिरी बार मैक्स से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है। अब ये उसका वहम था या फिर हकीकत थी, क्योंकि मैक्स का रेडियो कनेक्ट हो जाता है, यानी कि वो भी जिंदा है। मैक्स की आवाज ही मियाँ को आगे बढ़ने की हिम्मत देती है और इसीलिए वो उठ खड़ी होती है और चलना फिर से शुरू करती है। पर उसे बहुत तेज भूख लगी थी, उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था और इसीलिए वो भूख के कारण बर्फी खाना शुरू कर देती है, पर उसे ये हो नहीं पाता क्योंकि ये सब उसके लिए एकदम नया था। तभी उसकी नजर सामने वाली चोटी पर पड़ती है जहां पर वो अनजान आदमी खड़ा हुआ था, और इस बार ही उसके हाथ में एक एक्स था, यानी कि उसने प्लान बना लिया है कि अब वो मियाँ को मार कर ही छोड़ेगा। उसे देखकर मियाँ फिर से भागना शुरू करती है और इस बारी वो जाकर गिर जाती है एक खाई में। दो घंटे बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पानी बहने की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि उसके पास में एक नदी बह रही है, इसलिए वो सबसे पहले तो ढेर सारा पानी पीती है और अपना मुंह धोती है। मियाँ की हालत अब बहुत ही बुरी हो चुकी है, उसके सर पर चोट आई है, लेकिन इस हालत में भी उसे मैक्स का ही ख्याल आ रहा है। तभी उसे अपने सामने वही आदमी दिखता है। मियाँ उसे देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाती है और इसीलिए वो पूरी ताकत से चिल्लाती है और अपने अंदर का गुस्सा दिखाती है। अब वो मैक्स के लिए जीना चाहती है, इसलिए फिर से वो चलना शुरू करती है और ऐसे ही करते करते रात हो जाती है, जहां वो बड़ी ही मुशक्कत के साथ आग जलाती है। आज की रात वो वहीं गुजारने वाली है। अगले दिन जब वो फिर से चलना शुरू करती है तो उसके दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें से सबसे अजीब ये था कि कहीं जो आदमी उसे मारना चाह रहा है वो मैक्स तो नहीं है, कहीं ये उसका सरप्राइज तो नहीं है। पर उसकी इमेजिनेशन कुछ ही देर में टूट जाती है, क्योंकि चलते चलते वो एक खाई के किनारे पहुंच जाती है जहां उसे एक स्नोमैन मिलता है और उसके अंदर कोई और नहीं बल्कि मैक्स ही था, वो भी मरा हुआ। उसके पास रखी थी वो रिंग जो मियाँ को प्रपोज करने के लिए लाया था, मतलब मैक्स अब मर चुका है और उसकी ऐसी हालत देखकर मियाँ ने पूरा होश हवास खो दिया था। वो उस रिंग को लेकर पहन लेती है और मैक्स को गले से लगा लेती है, जिसमें उसके साथ बिताए हुए कुछ पल को याद करती है और वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने कभी कुछ सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अगले ही पल वो उसे लेकर खाई में कूद जाती है। मैक्स ही उसका सब कुछ था और उसने उसके साथ ही मरना चुना। अब ये सब दूर खड़ा हुआ वो शख्स देख रहा होता है जिसने अभी तक मियाँ को इतना परेशान किया था और मैक्स की जान ली थी, पर उसने ये सब आखिर करा क्यों और वो शख्स है कौन? यहाँ खुलता है इस कहानी के असली पत्ते। जी हाँ, वो शख्स असल में एक लड़की है और उस बच्ची की माँ है जिसकी मौत आज से 3 साल पहले हुई थी, और उसकी मौत हुई थी यहाँ पर आए हुए 2 टूरिस्ट से। उसके बाद से उसने हर वो शख्स की जान ले ली जो यहाँ पर घूमने आया करता था। वो वहाँ बने हुए क्रॉस पर जाती है और उस पर एक और क्रॉस बना देती है। हम वहाँ बहुत सारे क्रॉस को देख पाते हैं, मतलब उसने इतने सारे लोगों की जान ले ली है।
हमें बताया जाता है कि एक माँ से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसी माँ से उसके बच्चे को छीन लिया जाए तो उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं हो सकता, और ये चीज हमने देख भी ली। अब उसने ये सब सिर्फ बदले के लिए किया था, पर इसमें उसके डैड की क्या गलती थी? उसने आखिर उसे क्यों मार डाला? क्या ये सही तरीका है किसी की मौत का बदला लेने का? अपनी बेटी के लिए उसने न जाने कितने मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पर रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं होती। आपको क्या लगता है कि क्या मिया इतनी आसानी से मरने वाली है? जी नहीं, वो अभी भी जिंदा बच गई है, और अब वो लेगी मैक्स का बदला, वो भी उस लेडी को मारकर, क्योंकि उसके अंदर भी अब वही आग जल गई है जो उस लेडी के अंदर सालों से जलते हुए आ रही है। इस वीडियो पर एम करते हैं 400 कमेंट का, जिसके साथ ये कहानी ही खत्म हो जाती है। कमेंट जरूर करिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।